So what is up, crazy people out there? This is Abhirup. Welcome to the vlog. So basically, मैं जो intro है वो video के बाद shoot कर रहा हूँ. Scene को जैसा हुआ था कि एक snake था, वो एक tin के अंदर फंस गया था, एक bear tin के अंदर. तो चलो चल के देखते हैं, मतलब क्या scene हो गया था, कैसा नहीं. अंदर है, आपने फोन किया था? उसका मुंडी फंसा है, वो बियर के टीम बियर के डब्बे के अंदर उसका मुंडी फंसा है. तो रात की है. आते जंदा क्या सीन है भाई साहब. हाँ हाँ आ गया उधर. वैसे तो नहीं, किस दिन बैंग ली. तो लगेगा रे, मैं भी वही सोच रहा. दिल समझे जो रैट स्नेक था, एक दिन मैंने उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा वो रैट स्नेक को, और उसको ज़्यादा कुछ मेजर इंजरीज नहीं है. तो अभी हम उसको रिलीज करने आए हैं. बेसिकली इसके अंदर अभी दो रैट स्नेक है, और ये जो छोटा वाला है वो भी एक के घर के अंदर ही रेस्क्यू किया गया था. इसके साथ ही साथ ये है, ये वो छोटा वाला रैट स्नेक है, और ये वो है जिसे हम लोग ने अभी जस्ट रेस्क्यू किया था. मैं छोटे वाले को पहले रिलीज कर देता हूँ, इनके लिए बहुत अच्छा हैबिटेट है. इसको हेड के पास थोड़ा सा स्केल डैमेज है बस, अगर आपको दिख रहा है. बाकी वो फिट है. तो हाँ यार, यही एक छोटी सी बात रहती है, छोटी छोटी मिस्टेक रहती है जो हम लोग करते हैं, कि अगर अगर कोई वो टिन बियर का एक प्रॉपर डब्बे में डाल देता. देखो अभी इसका नसीब है कि इसको कुछ हुआ नहीं, इज़ वेरी लकी. पर अगर समझो कुछ ऐसा होता था और उसका ये इधर पे कट्स आ जाते थे और कोई नोटिस ही नहीं करता, तो कितनी बड़ी, मतलब किसी की जान जा सकती थी. तो कहना यही है कि अपने छोटे से एफर्ट, छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं. तो प्लीज़ इन्वायरमेंट को बचाओ यार. मतलब ऐसे नहीं बोल रहा कि सांप पकड़ो या ये करो, अब एक अपना जो कचरा है वो प्रॉपर डस्टबिन में डालो, इतने भी आलसी मत बनो. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि जाके दारू पियो यार. मतलब पियो ऐसे नहीं, सब चीज़ का एक लिमिट है. पर यार वो जो चीज़ है जो हाइजीन रखना है, या फिर अपने वैसे किसी भी और एनिमल को हार्म नहीं होना चाहिए, कौन से भी लिविंग बींग को हार्म नहीं होना चाहिए. तो
हाँ उस ब्यूटीफुल रैट स्नेक को हम लोग रिलीज कर देते हैं और बाय। यही थी आज की वीडियो, इसके अंदर से थोड़ी सी सीख लेने वाली वीडियो है यार कि अपना कूड़ा प्रॉपर जगह में डालो, अपने बायोडाइवर्सिटी को ख़राब मत करो या अपने बायोडाइवर्सिटी को ऐसा डिस्ट्रॉय मत करो छोटी छोटी चीज़ों से। और एल फैम, तो जैसे कि आप लोग ने देखा यार वीडियो के अंदर कि वो स्नेक किस प्रकार से उस टेंट के अंदर फंस गया था, तो जैसे मैंने पहले थोड़ा सा वीडियो में बताया गया कि थोड़े थोड़े एफर्ट्स रहते हैं जो हम लोग सब लोग को करने चाहिए। ऑल्सो अभी बहुत लोग सोचे रहेंगे कि वो सांप और टिन के अंदर ही क्यों गया, इतनी सारी जगह थी। तो देखो बहुत बार क्या होता है ना, ये सारे जो स्नेक्स हैं ना छोटे मोटे होल्स या पिट्स ढूंढते रहते हैं जिसके अंदर उनको खाना मिले या कोई फ्रॉग मिल जाए या कोई छोटा रोडेंट मिल जाए, तो उसकी तलाश में वो बेचारे को लगा कि वो एक खड्डा है, एक पिट है, एक होल है और वो उसके अंदर खाना ढूंढने के लिए उसके अंदर चले गया। और वो जैसे अंदर गया पर उसका ये जो जॉ का जो पार्ट था उसको वैसा रिवर्स में आने नहीं हुआ क्योंकि वो यहाँ पे ऐसे फंस गया, लॉक हो गया, मतलब वो अंदर तो चले गया बट यहाँ पे उसका लॉक हो गया, तो इसके वजह से वो बेचारा फंस गया। तो हाँ यार ऐसे छोटी मोटी चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। टिन था वो जो बियर का टिन था, अगर उसको कोई प्रॉपर उसके जगह पे फेंक देता था तो ऐसी मुसीबत ही नहीं होती थी और बेचारा एनिमल की जान ऐसे मुश्किल में आती नहीं। तो यार मेक श्योर आप ये सब चीज़ों का, छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखो, अपने एनवायरनमेंट को सेव करो, अपने अपने मदर नेचर को रिस्पेक्ट करो और उसके बारे में थोड़ी सी केयर करो। और हाँ तो अगर वीडियो देखिए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और यस अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल दैट टाइम दिस इज़ अवीरू साइनिंग आउट। Nothing can stop me, I'm all the way.